In this video we will learn forward differences of the product of two functions. हमने यहाँ पे क्या करना है, टू फंक्शंस को लेकर के उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे उनका फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड करेंगे. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस के ऑपरेटर है एंड एफ एक्स जी एक्स हमने दो फंक्शन को लिए, तो इसका रिजल्ट है मेन वो क्या निकल कर आता है, एफ एक्स प्लस एच डेल्टा जी एक्स प्लस जी एक्स डेल्टा एफ एक्स. हमको इस फॉर्म को पूरा इसको रिजल्ट को याद करना होगा. और इसका एक और है रिजल्ट जो है जी एक्स प्लस एच डेल्टा एफ एक्स प्लस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स. सो मैंने यहाँ पर इन दोनों जो रिजल्ट है उनके थ्रू आपको प्रॉब्लम देख करके सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे. तो मैंने यहाँ पर कोई दो फंक्शन ले लिए एक्स एंड ए की पावर एक्स, आप देख सकते हैं, और इस पर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस को फाइंड करना है. सो यहाँ पर लिखा है फंक्शन एक्स प्लस एच, इट मीन्स जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच. देन ये आपका जो फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एफ एक्स को एंड ये कर रहा है जी एक्स को, ठीक है. तो ये एक्स प्लस एच हो गया, देन डेल्टा जी एक्स, तो डेल्टा ई की पावर एक्स आ गया प्लस ई टू दी पावर एक्स एंड डेल्टा एक्स जस्ट बिकॉज एफ एक्स इज एक्स. हमने जो भी वैल्यू थे जो फंक्शन हमने वैल्यू को इसमें पुट कर दिया. नेक्स्ट अब एक्स प्लस एच सेम आ जाएगा जो डेल्टा है, इट मीन्स फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करते हुए हमने इसको ऑपरेट करना है, इसको ओपन करना है. सो डेल्टा एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स. तो देखिए इसको हम जब ओपन कराएंगे तो फंक्शन हमारा ई की पावर एक्स है, इट मीन्स एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच के साथ में. तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है माइनस ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स, एक्स है आपका तो एक्स का प्रिपेयर करोगे इसको एक्स प्लस एच माइनस एक्स के साथ में, ठीक है. देन इसका मल्टीप्लीकेशन हमने किया इसमें अंदर, तो आपको ये मिल जाएगा टर्म माइनस ई टू दी पावर एक्स एक्स प्लस एच प्लस सेम हमने इसमें अंदर इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया. तो हम जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि दोनों टर्म हमारा सेम मिलकर के कैंसिल हो गया. सो नाउ फाइनली वी विल गेट एक्स प्लस एच ई टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस एच एक्स ई टू दी पावर एक्स, ठीक है. सो ये हमारा इसका रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट रिजल्ट के थ्रू. जो इसमें और करके जो एक और रिजल्ट दिया हुआ है हम उससे देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा. सो देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, अब इसको नेक्स्ट वाले इससे फाइंड करते हैं. तो डेल्टा एफ एक्स जी एक्स, इसका रिजल्ट दूसरा वाला क्या था, जी एक्स प्लस एच, जैसा कि आप देख सकते हैं डेल्टा एफ एक्स प्लस एफ एक्स डेल्टा जी एक्स. तो हमने फिर से रिप्लेस किया फंक्शन, हमने यहाँ पे ले लिया ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, तो जी एक्स में हमने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना एक्स प्लस एच के साथ में. तो सेम मैंने वही यहाँ पे किया डेल्टा एफ एक्स, एफ एक्स आपका एक्स हमने एक्सपुट कर दिया, जो भी फंक्शन हमने यहाँ पे एज्यूम करना है जैसे सपोर्ट कर दिया, और जी एक्स हमारे के बाद एक्स आ गया. हमने फिर से इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करते हुए इसको ओपन किया. सो इट विल बी एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एक्स, इसको ओपन करेंगे आपको मिल जाएगा ई टू पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू पावर एक्स. इसका फिर से हमने क्या किया, इसमें अंदर मल्टीप्लीकेशन किया, देन हमारा ये टर्म कैंसिल हो गया. सो फाइनली वी विल गेट हियर एक्स प्लस एच ई टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस एक्स ई टू पावर एक्स. तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही रिजल्ट से हमारा आंसर सेम आया, और हम चाहे जो भी रिजल्ट का यूज करें आंसर हमको वही मिल जाएगा.